बीजेपी के लिए एक और चिंता की खबर की बात कर लेते हैं। प्रदेश की टॉप 10 नगर पालिकाओं में अपना नाम दर्ज करवाने वाली गुलाचीका की नगर पालिका इन दिनों विवादों में है, क्योंकि भाजपा चेयरपर्सन और समर्थित पार्षदों ने भाजपा के ही विधायक कुलवंत बाजीगर पर विकास के काम में रोड़ा अटकाने का आरोप लगा दिया। आरोप है कि विधायक कुलवंत बाजीगर ने नगर पालिका चीका के विकास कार्यों के वो टेंडर जो सभी पार्षदों ने बैठक में मिलकर पास करवाए थे वो कैंसिल करवा दिए। चेयरपर्सन और पार्षदों ने यह भी आरोप लगाया कि नगर पालिका सचिव अशोक कुमार, जो कि विधायक कुलवंत बाजीगर का भतीजा है, वो नगर पालिका के चुने हुए पार्षदों से दुर्व्यवहार करता है और आए दिन नगर पालिका चीका में अपनी मनमानी करता है। पार्षदों ने एसडीएम को एक लिखित शिकायत दी और यह अवगत कराया कि अगर आगामी 32 घंटों में टेंडर नहीं दिए गए तो सभी पार्षद नगर पालिका कार्यालय को ताला झड़ देंगे और सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। विकास कार्यों को लेकर एसडीएम साहब से मिले हैं। शहर का विकास पिछले लगभग 6 महीनों से बिल्कुल ठप पड़ा है। सीधा सीधा विधायक पर है, इसने सारा शहर का नाश कर दिया है। ये कोई भी कार्य नहीं होने देता। आज आप किसी भी वार्ड में जाकर देख लो, गलियां नाले गोटा गोटा पानी, इतना नाश कर दिया कि कोई भी विकास कार्य नहीं होने देता। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि नगर पालिका को चलने नहीं देना। 25 लाख रुपए हर माह इनकी तनख्वाह जाती है नगर पालिका से, लेकिन 25 लाख की बजाय काम कितना होता है? 0। कड़े कदम उठाए शहरवासी को देखते हुए, जनहित को देखते हुए इन अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करें और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएं। हर बार टेंडर लगाते हैं और अपनी मर्जी से कैंसिल कर देते हैं। इसमें बीच में सारा राजनीति का रोड़ा है और इसी बाबत हम इकट्ठे होके आए थे। भी अगर हमारे 72 घंटे के अंदर इन्होंने टेंडर नहीं लगाए तो हम नगर पालिका को ताला लगाएंगे और सभी एजेंसी वहां प्रदर्शन करेंगे और किसी को भी अंदर नहीं जाने देंगे। इसी मामले में मैंने इसीलिए सेक्रेटरी को ये हिदायत दी है कि प्रधान से वो सलाह मशवरा करके इसको मैटर को रिजॉल्व करें और यहाँ रिपोर्ट करें।